ये हमारी 8 लेयर्स हो गई ना, ये मैंने निकाल दिया। इसको चाशनी में से इसके ऊपर रखो। और ये रही हमारी प्लेट्स, फैंटास्टिक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और अभी हम जगन्नाथ पुरी गए हुए थे और वहां पर मैंने एक चीज देखी। पूरी मंदिर के बाहर ख्वाजा की वो मिठाई लगी हुई थी। मैंने सबसे पहले सोचा कि आज मैं आपको एक कप मैदा लेके खिलाती हूँ, बहुत स्वाद होती है। और कैसे बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं आज बनाना। और ये मैंने ले ली प्राप्त, और ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। एक कप से ही शुरू करते हैं, ठीक है? ये कप मैदा में हम डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून घी। अब ये डालने के बाद पता है हम क्या करेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं अच्छी तरह। दोनों हाथ से ना इसको रोल करो। अब ये देखो मैश हो गया ना। अब पता क्या है, इसको हाथ में लेके देखते हैं, अगर तो ये ऐसे टाइट हो रहा है, देखो, तो इसका मतलब हमारा घी बिल्कुल सही है। अब हम आगे चलते हैं, पानी लेकर इसको मल लेते हैं। जैसे देखो मैंने पानी लिया, आधा कप पानी लिया था मैंने, बस इतना ही लिया था, 1.5 लिया इसका। और इसको मैंने मल लिया इस तरह, देखो टाइट डो में। मैं इसको ना कवर करके रखती हूँ 10 मिनट के लिए। ओ, ये देखो अब मैंने ले लिया बाउल। इस बाउल में मैं लेने लगी हूँ, ये देखिए, चावल का आटा 1 चम्मच ले लिया। मुझे इसमें देसी घी लेना है, पिघला हुआ देसी घी। ये देखिए हमारा हो गया ये मेल्टेड घी, मैंने अभी 3 चम्मच डाला है, ये देखिए। अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे। मैंने 1 कप चीनी ले ली, ये देखो, और ये गई हमारी चीनी। मैंने गैस ऑन कर दी और इसके बाद मैं 3/4 कप डालने लगी हूँ पानी। और अब ये जो उबाल आ गया ना हमारा, हम पता क्या करेंगे, अब इसमें एक चुटकी घर में छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया इसमें। देखो अभी पतला है, अभी भी नहीं हुआ ना, देखो, तो अभी होने दो 5-7 मिनट। हम फिट फूड रसोई से बोल रहे हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हम नई नई रेसिपीज आपको दिखाते रहें। ये देखिए अब ये थोड़ा सा छोड़ रही है ना अपना। अब मैं थोड़ा सा ड्रॉप्स डालने लगी हूँ नींबू के रस के, ये देखिए, ताकि ये क्रिस्टलाइन ना हो जाए। और अब मैंने गैस कर दी बंद। अब ये देखिए तार बन रही है ना ऐसे हल्की सी, बस तार नहीं बनानी, बस ये ऐसे हो जाए, चिपचिपा हो जाए। और अब मैं इसको उतारने लगी हूँ, और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह मल लेते हैं। तो पता है जितना मलाईदार करेंगे ना, उतना हमारा ये फैनी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखो अब इतना टाइट हो गया कि मुझे प्रेशर लग रहा है दबाने में ना, इसको इलास्टिक टाइप बन गया ही, देखिए लंबा सा कर लेते हैं इसको। अब बेल लिया, अब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो 8 पीसेस हो गए, और अब इनके पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए मैं इसी परात में रखने लगी हूँ, इस तरह सारे गोल गोल रोल कर लो। 8 बॉल्स बन गए। अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा इनको बेल लेते हैं, इसको रोटी से पतला करो थोड़ा सा। देखो मैंने बेल लिया रोटी की तरह। ये मैं अब इस प्लेट में रखती जा रही हूँ सारी बना के। ये देखिए इकट्ठे बना लेते हैं पहले सारे, इसी तरह सारे बेल लो। ये 8 रोटियां बनके तैयार हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो हमने ये बनाया था ना, चावल एंड देसी घी का बनाया था हमने, अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह फैलाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह लगाना है, ताकि जब हम फ्राइंग करेंगे ना, एक एक उसकी लेयर दिखेगी हमें अच्छी तरह। हाँ, ये हो गया ना। अब मैं सेकंड लेयर लेने वाली हूँ, ये ले ली मैंने, और ये इसके ऊपर रख दिया इक्वल। ये देखिए ठीक है ना। फिर मैं घी लेने लगी हूँ, ये देखिए घी लग गया। और अब ये गई हमारी लास्ट वाली रोटी इसके ऊपर, ये देखो। तो मैं इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, देखो ये देखिए, ये हमारी 8 लेयर्स हो गई ना। इसको टाइट कर लो अभी, और इसको थोड़ा सा फैला लो बेलन से। अब हम ये साइड लेके ना इसको ऐसे रख के इसको इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लो। ये चावल का आटा है, इससे ना हमारी लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। अब इसको अच्छी तरह टाइटली रोल करना है हमने, देखो कितनी टाइटली पकड़ रही है, देखिए
और इसको थोड़ा सा बंद कर लो। मैं अब हाथ से ये देखो पानी ले रही हूँ और इसको टाइटली हम कर देते हैं रोल। ये हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए 1, 2 ये हमारे हो गए ना 7। ये देखिए कितनी सुंदर लेयर्स आई है ना इसके अंदर। देखो ये लेयर्स दिख रही हैं घी की। और इस तरह ये हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, बेलन लेके इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। ये 8 हमारे बन गए ना। अब इनको ये मैंने उठाया एक, और इसको दबाओ थोड़ा सा इस तरह, और इसको टाइट कर लो ताकि खुले ना। ये देख लेना, पानी लगाना हल्का सा और इसको थोड़ा सा दबाओ और हल्का सा दबाओ इसको बेलन से। इस तरह बन गया ना हमारा। ये देखो खुल रहा है ना, इसको पानी लगाओ। ये हो गया ना, ये देखो इस तरह और इस तरह। अब मैं रखने लगी हूँ इनको लाइन में। अब इसको भी लो, पानी से टाइट कर लो इसको ताकि जब हम तले ना ये खुले नहीं। ये देखो अब हमारे 8 पीसेस रेडी हो गए ना। ये देखिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने ऑयल वाली कढ़ाई ले ली, ये ऊपर आ गया, इसका मतलब घी गर्म हो गया ना। ये देखिए गैस सिम करके और डालने लगे। ये देखिए इसको धीमे से एक पे ही तलो, तेज नहीं करना। इसको तेज करोगे ना तो अंदर से ना वो पकेगी नहीं आपकी पूरी। ये देखो ये गोल्डन ब्राउन हो गया ना। ये देखो इसको हम निकाल लेते हैं। अब निकालने लगे बड़े आराम से। अभी निचड़ने दो घी और इतनी देर में हम और डाल देते हैं। गैस सिम है हमारा, ये सारे सिम पे ही बनाने हैं हमने। सारे निकाल रही मैं। ये देखो टिश्यू पेपर के ऊपर रखने लगी हूँ इनको निकाल के। ये देखो हाँ जी, अब ये जो हमारे रेडी हुए ना, ये देखो ख्वाजा, अब हम चाशनी में डालने लगे हैं। ये जो हमने चाशनी बनाई थी और ये मैंने डाल दिया। और हमारा देखो घी भी सोख हो गया टिश्यू पेपर के ऊपर रखने से। और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ये, और हमने ज़्यादा देर नहीं रखना इसको बस, क्योंकि ये फिर ना वो नहीं रहेंगे, कड़क नहीं रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ये लिया हमने और ये मैंने निकाल दिया इसको। ये देखो बस इसके आसपास चली गई, और ये मैंने निकाल दिया इसको चाशनी में से। इसके ऊपर रखो और सारे डाल लो इस तरह। ये सेकंड डाल दिया मैंने, निकालते जाओ देखो कितने चमक रहे हैं ना। और ये रहा हमारा लास्ट पीस। ये सिर्फ हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी अच्छी शाइन आ गई है ना। ये देखो मैंने थोड़ी सी चेरी, पिस्ता एंड बादाम थोड़ा थोड़ा हमने किया हुआ है इसको, और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं ये। और ये रही हमारी प्लेट, ख्वाजा की प्लेट। जगन्नाथ जी का प्रसाद ऐसे ही बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया आया ना, इसको खा के भी देखें। इट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा है, बहुत बढ़िया। और आप भी ज़रूर बनाइए, ज़रूर इसी तरह रेसिपी फॉलो करोगे, बहुत अच्छा आएगा, एक एक स्टेप देखो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।